इस वक्त अगर बात करें यूक्रेन की, तो ऐसे बहुत से छात्र हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं, और इस महायुद्ध में, इस जंग की चपेट में सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त अगर किसी को हो रहा है तो वहां के नागरिकों को हो रहा है, क्योंकि दूसरे देशों के लोग तो अपने देश वापस जा रहे हैं, लेकिन वहां की जनता इस वक्त काफी परेशान है और पलायन के लिए वो मजबूर हो रही है। छोड़कर अपना देश वो दूसरे देश की तरफ रुख कर रहे हैं। समझे इसको, कहां कहां जा रहे हैं यूक्रेन के लोग। पोलैंड से देखिए, बड़ी संख्या में लोग गए हैं, 2,81,000 लोग पोलैंड जा चुके हैं यूक्रेन छोड़कर। रूस की बात करें तो रूस जो लोग गए हैं, जिन्होंने यूक्रेन छोड़कर रूस में शरण ली है, 1,29,000 ऐसे लोग हैं जो यूक्रेन से इस युद्ध की वजह से भागकर वहां गए हैं। हंगरी में कितने लोग गए हैं देखिए, 84,000 लोग वहां से यूक्रेन छोड़कर गए हैं। मालदोवा में 36,000 लोग यूक्रेन छोड़कर पहुंचे हैं, देश को छोड़कर गए हैं। रोमानिया की बात करें, ये सारे पड़ोसी मुल्क हैं यूक्रेन के, और 32,000 रोमानिया में गए हैं लोग वहां से छोड़कर, यूक्रेन से निकलकर युद्ध की वजह से। स्लोवाकिया 30,000 लोगों ने यूक्रेन से पलायन किया है और स्लोवाकिया में शरण ली है। बेलारूस की बात करें तो वहां 500 लोग गए। बेलारूस जो कि रूस का सहयोगी है और वो भी यूक्रेन में रूस के साथ युद्ध, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध कर रहा है, तो वहां भी करीब 500 लोग गए हैं यहां से भागकर। और दूसरे जो यूरोपीय देश है, वहां 34,000 के करीब लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। तो पलायन के लिए इस वक्त लोग मजबूर हैं, जो हालात बने हुए हैं यूक्रेन में। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।